अरे पाने निकले हो जो मंजिल वो मुकाम भी मिल जाएगा, आज पहल तो करो मामा लेवन, काफिला खुद ब खुद जुड़ जाएगा। खिली हुई धूप हमारा स्वागत, सीतारण क्रिकेट ग्राउंड से मैं फिरदौस, तो हो जाइए तैयार, मैं लेकर आयो एक शानदार स्पेशल कवरेज। सीतारण प्रीमियर लीग का फाइनल, एक तरफ मामा लेवन और दूसरी तरफ टार्जन सरशे। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर, इसके अलावा एक प्यारी सी कमेंट भी लिखना। ये बाजी आखरी बाजी नहीं, अभी और बहुत से मैदान है, तेरे बाजुओं की ताकत में छुपे हर कदम पर मचलते तूफान है, ये जमाने को यकीन हो जाए, हिम्मतों में ना थकन लाए, तेरे हर कदम पे है लाखों दुआए, रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, तुम रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, तुम रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, तुम रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, तुम वेलकम बैक सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। हम आपको बता देंगे कि आज सीतारण क्रिकेट ग्राउंड पे दो दिग्गज टीम में एक छोर से मामा लेवन यानी कि सीतारण की तरफ से मामा लेवन और दूसरी तरफ सरश ए के हवाले से, इस क्रिकेट ग्राउंड के हवाले से, इस फाइनल के हवाले से आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी होगा, कौन जीतेगा, कितना टारगेट मिलना चाहिए अगर टॉस जीतकर मामा लेवन ने पहले बैटिंग की तो कितना स्कोर बनना चाहिए। 20 ओवर्स की खेल, फाइनल मैच वेन्यू होगा सिद्धार्थ क्रिकेट ग्राउंड। आपको क्या लगता है फाइनल आज किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा आज? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे यही लगता है कि अगर मामा अलेवन टॉस जीतेगा तो बैटिंग करनी चाहिए उनको, क्योंकि पहले बैटिंग में यहाँ पे स्कोर अच्छा बनता है, लगभग 180 प्लस स्कोर होगा तो दूसरी टीम को चेस करने में बहुत ही मुश्किल होगा। मगर जो अपोजिट टीम है टार्जन सरश, उसको भी बहुत ही अच्छा टीम है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके साथ, बॉलिंग भी अच्छी उनको, बैटिंग भी अच्छी उनको। यहाँ से मामा अलेवन की टीम पे नज़र मारे तो वहाँ पे महराज भी अच्छा है, बिलाल भी अच्छा खेल रहा है, असलम भी अच्छा खेल रहे हैं। बाहर का ये कहना है कि पलड़ा बारी है सिद्धार्थ ए का, बिकॉज ये होम ग्राउंड है, दर्शक सभी दर्शकों से मेरी अभी बात होगी, वो क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से। तो फिलहाल के लिए हम आपको वापस लिए चलते हैं, मिलेंगे अभी फेसबुक पेज पे लाइव, तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहें। सिद्धार्थ प्रीमियर लीग से खबर यह है कि सिक्का उछला और गिरा मेजबानों के हक में। इसका मतलब साफ है कि जावेद रजाक और बिलाल उर्फ बेटा ओपनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार। बहुत बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया। सितारा प्रीमियर लीग का फाइनल खेला जा रहा है, दोनों टीम इस वक्त ग्राउंड में खेल जारी। ऐसा आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मेजबानों ने टॉस जीतकर बोर्ड पे 195 रन लगाए। अगर टार्जन अलेवन सरज को चैंपियन बनना है तो 120 गेंदों में 196 रन तक पहुंचना होगा। आइए दोस्तों फटाफट नजर डालते हैं पहली इनिंग पर। 195 रन बोर्ड पे लगी, जिसमें सबसे ज्यादा 59 महराज ने मैदान की चारों तरफ रन बनाए और क्रिकेट के शायकीन का दिल जीता। जावेद रजाक ने सिर्फ 20 रन बनाए, बिलाल उर्फ बेटा ने 40, शाहिद 42 रन बनाकर आउट हो गई, कप्तान नजीर ने 10 रन, माशोक ने 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर
दर्शक दीर्घा में गेंद को डिस्पैच किया तो अब जीत के लिए मिली टार्जन 11 सौरश को 196 रन का टारगेट। शब्बीर लेफ्टी एक पेस बैटरी मामा 11 सिद्धार्थ के पास है, लेकिन जो उम्मीद सभी तमाशाई कर रहे थे उस पर खरा नहीं उतरा लेफ्टी। इस फाइनल मैच में लेफ्टी विकेट लेने से असफल। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टार्जन 11 सौरश टीम ने सेमीफाइनल में 259 रन बनाए, अपने बैटिंग के दम पे फाइनल में जगह बनाया। लेकिन दोस्तों इस फाइनल में सिर्फ टार्जन 11 सौरश की इनिंग 155 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह से 40 रन से मिली जीत मामा 11 सिद्धार्थ को। वही थोड़ा सा हम बात करेंगे गेंदबाजी की। मामा 11 सिद्धार्थ की तरफ से निसार मौलवी ने तबाहकुन गेंदबाजी की। निसार मौलवी ने 4 विकेट लिए, मोहम्मद असलम ने 3, कप्तान नजीर और माशोक ने 1-1 विकेट हासिल किया। आइए थोड़ा सा देखते हैं इस मैच के कुछ स्पेशल मोमेंट्स। Oh!